जो भी बुरी नजर है वो निकालेंगे। लग गया मम्मी, लग गया सब कुछ, लग गया। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी टाइम है पूजा करने का। और मैंने लहंगा ही डाला हुआ है, बट इसको साड़ी बना दिया है इस लहंगे को। तो टाइम हो रहा है अभी 6 बजने वाले हैं और जल्दी से जाके थोड़ा पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। और मनी तो पता नहीं कहाँ चले गए, वो इतना बिजी रहने लगे इधर उधर घूमना फिरना, जबकि मम्मी उनको बोल के गई थी कि दिया जला देना, बट ना वो अभी कहीं गए हुए हैं। तो चलते हैं और देखते हैं जल्दी से लक्ष्मी पूजा का, जो भी थोड़ा बहुत जितना कर सकते हो उतना करना स्टार्ट करते हो। तो इवनिंग का टाइम है और अंधेरा हो चुका है, सो हम सभी दिया जलाने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे पापा भी तैयारी कर रहे हैं, मम्मी गई है मंदिर और अंकित बाबू से मिलिए। कहाँ गए जी? ठीक है, अच्छा। पेट ठीक है? पेट इससे गड़बड़ हो गया बेचारे का। पेट ठीक है? पेट ठीक है, है? वेरी गुड, पेट ठीक रहा है। और हाउ ट्रेंड पेट आया था ठीक। क्या बाप रे बाप, अंजलि को देखिए कितना तैयार हो गई है। तो अंजलि फाइनली पूजा की तैयारी करने जा रही है। तो पापा पूजा कर रहे हैं अभी झाड़ू की, मम्मी अभी मंदिर गई हुई है। सो अरे अम्मा आ गई, आपके बिना खोपड़ी खराब हो रही थी मेरी। क्यों, क्या समझ में नहीं आ रहा है? पापा तो पूरे रेडी हैं। तो ये हमारी एक तरह की भीत होती है यहाँ पे, जो अंजलि झाड़ू लगाएगी और पापा हमारे घर से बुरी शक्तियां और जो भी बुरी नजर है वो निकालेंगे। लग गया मम्मी, लग गया सब कुछ, लग गया। मैं तो मनीषा हूँ, आप बोल रहे हो?
लगाओ झाड़ू, लगाओ झाड़ू, इस विधि का मतलब है कि हम ईश्वर को बुलाते हैं और बाकी बुरी चीजों को निकालते हैं। ये देखिए अंकली झाड़ू से वो चीज को निकाल रही है। तो दिस इज फेमस विधि। नाना पापा ले जाओ ले जाओ। तो ये थोड़ी दूर फेंक के आना होता है, वो देखिए सभी लोग लेके जा रहे हैं गांव के। एक हाथ सही कर लो। फाइनली अंजलि जी पूजा कर रही हैं और हमारे घर के सामने जो मंदिर है वहाँ पे पूजा है, लक्ष्मी पूजा। तो वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, सो हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे वैसे तो। क्यों अंजलि करो तैयारी। तो फ्रेंड्स अभी टाइम है लक्ष्मी पूजा का, तो यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया है। मम्मी जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे मैं पूजा करती चली जाऊँगी। फाइनली अंजलि जी ने कंप्लीट कर दी पूजा। पूजा करने में मम्मी भी बहुत हेल्प करा रहे, क्योंकि मैं एक हाथ से पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो मम्मी भी मिल गए, मतलब मेरी बहुत हेल्प करा रहे कि ऐसे ऐसे पूजा करना है हर चीज़। अंजलि तो पूरा तैयार है।
अंजलि जी हो गया पूजा कंप्लीट? तो अंजलि जी की पूजा कंप्लीट हो गई है और रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ऐसा ना कि पोपट हो जाए मेरा। छत पे मेरा पोपट हो गया, मैंने वीडियो ऑन किया ही नहीं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो दीदी ने बताया कि रिकॉर्डिंग तो ही नहीं रहा। तो फाइनली पूजा हो चुकी है, अब सबने माथा टेकना है। और तो ये दीदी कुलिया भरेगी, भाई के लिए भरते हैं क्या? भाई का घर भरा रहे हमेशा, कभी अन्न की कमी ना हो, किसी चीज की कमी ना हो, इसके लिए बहने अपने भाई का घर भरते। पहले हम लोग तुम लोग मिट्टी का घर भी बनाते थे, उसके अंदर कुलिया भरते थे। सही बात है। केकरा केकरा टिक्का कर दो हमारा के। पुलिया में लड्डू रखा गया और ये हम वहीं को खाना होता है और किसी को नहीं, तो छूना मत। हम खाएंगे खाली। ये सिर्फ भाई के लिए होता है। सिर्फ भाई के लिए होता है। तो मैं भी तो किसी का भाई हूँ। तू नहीं भरेगी अपने भाई के लिए अंजलि? सही बात है। मैं तो वैसे पूजा को याद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, है ना? लड्डू के लिए याद आ रहा है। तो ऐसे भी मिल जाएगा। भगवान हमारे भाई के घर इतना भरल रहे कि हम आवत रहू एकदम खाई रहू दबा के, कोई गेस्ट कोई भूखा न जाए। नहीं, जो नहीं। मेरे भाई के पास है सब। नहीं तो ये भी बोलो कि जब भी मैं आऊँ महीनों भर रहूँ एकदम दबा के खाऊं। जब भी अपने भाई के साथ तो कभी मेरा भाई मुझे भगाने की कोशिश ना करे। हाँ, सही बात है कि कमी ना हो। घर भरल रखा मैं भाई के, भाई सबके लिए बस प्यार है। कैसा लगा आपको सजावट? सजावट नाइस, वेरी नाइस। मम्मी ने किया जल्दी जल्दी सारा। अच्छा, अकेली नाइस। तो फ्रेंड्स अभी ये मेरे अंकित भाई, ये मेरे बिट्टू भाई, हम सभी अभी खाना खाने जा रहे हैं। रात का बहुत दिनों बाद इकट्ठे खाना खाने जा रहे हैं। गाइस रात के बजने वाले 9-10 ऐसे कुछ है। थक के तो भाई हालत खराब हो गई, मतलब पहले ट्रेन का सफर, फिर आज दिवाली का सफर, मतलब दिन भर इधर उधर इधर उधर। तब तो सोने का मन कर रहा है। रणवीर सिंह पता नहीं अपना कौन सा हिसाब किताब कर रहा है और होमवर्क कर रहा था। होमवर्क, ओ माय गॉड। अंजलि देवी यहाँ पे सो चुकी हैं। सो जाओ बाबू, सो जाओ। बस ऐसे कर रहे हैं। दबाइए, मम्मी की सेवा हो रही है। दीदी पैर दबा रही है। जीजा जी टीवी देख रहे हैं। तू खुद का नहीं दिखाएगा? और मैं सोने जा रहा हूँ बस।